बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। जब इस बात को कंसीडर कर लिया जाए कि एक सिग्नल का जो मिनिमम लेवल है जहां पर वॉइस की क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, तो उस लेवल से जो बिल्कुल स्लाइटली स्ट्रॉन्गर लेवल होगा सिग्नल का, उसको थ्रेशर्ड बना लिया जाता है, उसे थ्रेशर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर पर 90 dBm से लेकर 100 dBm तक होता है। अब ये जो मार्जिन है, ना तो ये बहुत ज्यादा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। अगर मार्जिन ज्यादा होगा तो हैंड ऑफ ज्यादा होगा, जो कि MSC के ऊपर बर्डन होगा, और अगर ये मार्जिन कम है तो इस टाइम के अंदर हैंड ऑफ हो नहीं सकेगा, जिससे कॉल ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए इसका इंतखाब केयरफुली करना चाहिए। ये जो डिसीजन है, हैंडओवर डिसीजन है, ये BTS ओल्ड यानी एक मोबाइल यूजर है जो एक नए BTS की तरफ मूव कर रहा है, उसके नए सेल की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ सिग्नल बढ़ रहे हैं। अब जब ये इसके सिग्नल बढ़े होंगे तो इसके सिग्नल जा रहा है, इसके यहाँ कम हो रहे हैं तो इसके ये सिग्नल बढ़ रहे हैं। तो ये वो मार्जिन जिसकी बात मैंने पहले किया, ये हैंड ऑफ मार्जिन है या हैंड ओवर मार्जिन है। अब इम्प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन कौन सी है? ये दो सेल ए और सेल बी है, यानी ये बेस स्टेशन वन है, ये बेस स्टेशन टू है, यहां पे हैंड ऑफ होना चाहिए। अब ये लेवल ए का है, ये लेवल बी का है। अब जब वो मोबाइल यूजर बी की तरफ मूव कर रहा है तो ये सिग्नल यहां से ड्रॉप हो रहे हैंड ऑफ थ्रेशर्ड आया, और ये उसका मिनिमम लेवल है जहां से तक बात हो सकती है। जो ही मिनिमम लेवल से सिग्नल डाउन हो जाएंगे तो बी के सेल में तो हम जा ही चुके हैं, लेकिन साथ ही हमारी कॉल भी ड्रॉप हो जाएगी। और यहाँ पर यह है कि जब हैंड ऑफ उसने कर लिया है और ये सिग्नल डाउन हो रहे थे, साथ ही वो बी के सेल में एंटर हो गया, तो ये हैंड ऑफ की प्रॉपर हैंड ऑफ की सिचुएशन हैंड ऑफ सक्सेसफुल। ये बात पहले भी कर चुके हैं, ये हैंड ऑफ थ्रेशर्ड है और ये उसका मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल है, सिग्नल लेवल है। अब यहाँ पे हैंड ऑफ हो गया, यानी ए से एक मोबाइल यूजर बी की तरफ स्विच हो गया, तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। यानी इसका मतलब है इस डेल्टा की जो वैल्यू थी वो एनएफ थी, सूटेबल थी, ये डेल्टा लार्ज एनएफ था, तो इसमें हैंड ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये समाल था तो इसमें हमारा हैंड ऑफ नहीं हुआ। जो ही हैंड ऑफ थ्रेशर्ड आया और सिग्नल का लेवल मोबाइल यूजर मूव करता रहा और वो बी के उस लेवल पे चला गया कि जहां पे हमारी कॉल ड्रॉप आउट होगी। अब हैंड ऑफ जो अनसक्सेसफुल है उसकी रीजन क्या हुई? या तो डेल्टा हमारे पास जो मार्जिन है वो बहुत छोटा है, या वो मोबाइल यूजर है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और एमएससी की तरफ से डिले ज्यादा हो गया, और एमएससी के अंदर से जो डिले होता है उसकी रीजन वजूहत ये है कि वहां पे ट्रैफिक का ज्यादा लेवल होगा और वहां पे कोई चैनल अवेल नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया।